बाहर फायरिंग हुई है। बघेल की ड्रेस में बदमाश आए थे और युवक को गोली मार दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर, एससी एसटी कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है और ये जो बदमाश जिन्होंने फायरिंग की है वो वकीलों के ड्रेस में आए हुए थे, जहां पर उन्होंने एक युवक को गोली मार दी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एससी एसटी कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है। और आपको ये भी बता दें कि ऋषभ मणि हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गया। ऋषभ मणि, बदमाशों के बारे में कुछ अब तक पता लग पाया है क्या? कौन थे बदमाश, क्या मकसद था इनका, इसके बारे में कोई अभी तक जानकारी? देखिए, अभी तक जो बात सामने निकल के आ रही है उसके मुताबिक कुख्यात शूटर संजीव महेश्वरी जीवा को मारा गया इस शूट आउट में। संजीव महेश्वरी जीवा बहुत बड़ा शूटर अपने जमाने का रहा है, काफी समय से लखनऊ जेल में बंद था और आज वो तारीख पर आया था। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी संजीव महेश्वरी जीवा शामिल था, उसका भी नाम था। आज संजीव महेश्वरी जीवा एससी एसटी कोर्ट परिसर में तारीख पर आया था अपने किसी मामले पे। वहां पर वकील की ड्रेस में आए किसी शूटर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, संजीव महेश्वरी को गोलियां लगी हैं और जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक संजीव महेश्वरी जीवा मारा गया है। जो उत्तर प्रदेश के अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, जो पुलिस के अफसर हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि संजीव महेश्वरी जीवा कौन था, जिसको फिलहाल लखनऊ कचहरी में सरेआम भून डाला गया है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक संजीव महेश्वरी जीवा की इस शूट आउट में मौत हो। लेकिन ऋषभ मणि, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि युवक को गोली मार दी गई है, वहां पर पुलिस बल भी होगा, सिक्योरिटी के साथ वो शख्स आगे जा रहा होगा, तो बड़ा सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर भी उठते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये कोर्ट की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जब संजीव महेश्वरी जीवा जैसा कोई बदमाश पेशी पे आ रहा है, उसके साथ सुरक्षा भी रहती है और वहां पर कोर्ट के अंदर संजीव महेश्वरी जीवा मार दिया जाता है, जाहिर सी बात है ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। और अब देखना पड़ेगा हर स्तर से किस तरह से कौन से कदम उठाए जाते हैं, कैसे कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाता है। एक बहुत बड़ी चुनौती है लखनऊ पुलिस के लिए और खासतौर से उनके लिए जिनकी ड्यूटी कोर्ट परिसर में आज लगी हुई थी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे ऋषभ मणि कि जब भी कोर्ट परिसर के अंदर एंट्री होती है, चाहे वकील हो चाहे आम शख्स पहुंच रहा हो, उनकी क्या चेकिंग नहीं होती है? कैसे ये अवैध हथियार लेकर अंदर एंटर हो जाते हैं? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक जो गोली चलाने वाला शख्स है वो वकील की ड्रेस में था। जाहिर सी बात है वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं वो खुद अपने आप को बचते हैं, बचाते हैं कि किस तरह से किसी वकील साहब की हम चेकिंग करें या ना करें। लेकिन वो जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक वकील की क्या उस शख्स को पकड़ लिया गया अभी फिलहाल, उस युवक को जिसने गोली मारी थी? जी हाँ, जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है, वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, जिस युवक ने गोली मारी है, जिस शूटर ने संजीव महेश्वरी जीवा को गोली मारी। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ दिनों अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या की गई और उसी फेहरिस्त में संजीव महेश्वरी जीवा का भी नाम आता है, वो भी एक बड़ा शूटर है, बड़ा बदमाश है, और उसकी हत्या कर दी जाती है, तो आप ये मान के चलिए ये कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना है। हालांकि संजीव महेश्वरी जीवा खुद अपराध जगत से ताल्लुक रखता था, उसकी तमाम जगह रंजिशें दुश्मनी है और किन हालातों में ये इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया ये पुलिस की जांच में आगे आएगा। लेकिन ये सनसनीखेज वारदात है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली वारदात है कि